अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफियत होंगे। एक अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि FBI ने 93 टैक्स ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है। इसकी डिटेल देखते हैं कि ये किस तरह लिया गया है, क्या चार्जेस थे और इस पे आगे आने वाले वक्तों में क्या इम्कान थे। इसकी तफसील यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 93 टैक्स ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन अनाउंस कर दिया है 2022-23 में, और इन पे जो चार्जेस हैं मिस कंडक्ट और करप्शन के हैं। और ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स जो कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के हैं, यानी इनकम टैक्स और सेल टैक्स के भी हैं और पाकिस्तान कस्टम सर्विस के भी हैं, लेकिन FBI ने फर्दर डिटेल इस हवाले से नहीं दी है कि कौन कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। एनी हो, ये खबर है और इस हवाले से सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 हैं, उन इसके तहत एक्शन लिया जाता है। और गुज़िश्ता अदवार में भी FBI को ये ताकीद की जाती रही कि ऐसे जो केसेस हैं वो इनिशिएट किए जाएं सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत, और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट की जाए। अब ये जो ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, इसमें से 11 सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स हैं जो कि बेसिक स्केल 19 से लेकर 22 तक फॉल करते हैं। 2022-23 में इन्होंने करप्शन की है और अब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। तो 11 लोग जो हैं वो हैं ग्रेड 19 से 22 के। उसके अलावा 20 ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेड 17 से 18 के हैं, और उन्होंने भी इसी दौर यानी 2022-23 में उन्होंने मेल प्रैक्टिसेस की हैं। और 62 ऑफिसर जो हैं ग्रेड 16 के हैं, जिन के ख़िलाफ़ इसी इल्ज़ाम के तहत जो इंक्वायरी की जा रही है, और एक लेवल पे ये इंक्वायरी आ चुकी है और इसको FBI ने अब अनाउंस भी कर दिया है। एक सेक्शन क्रिएट हुआ था डिसिप्लिन्स और स्लैश इंक्वायरीज, जिसका मकसद ये था कि जो टैक्स ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ कोई केसेस हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं या इंक्वायरीज हैं, वो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इनकी टाइमली कंप्लीशन की जाए और इनको अनलिमिटेड टाइम के लिए ड्रैग ना किया जाए। और FBI ने रेवेन्यू डिवीजन FBI को ये स्ट्रिक्टली कहा है कि वो इस सेक्शन के तहत इंश्योर करें कि जो इंक्वायरीज इनिशिएट की गई हैं वो विद इन ड्यू टाइम जो कंप्लीट हो सके। और इसमें ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो इस तरह की इंक्वायरी की प्रोसीजर को इन अकॉर्डेंस विद द रूल 10 रेड विद रूल 12 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 कंडक्ट करेगा, और ये इंक्वायरी जो है बस 8 दिनों के अंदर कंप्लीट की जाएगी, या अगर कोई एक्सटेंशन इसमें दी गई है तो उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और इस हवाले से चूंकि ये ऑफिसर्स जो हैं ये कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो हेड्स ऑफ फील्ड ऑफिसर्स जो हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं, चीफ कमिश्नर्स, चीफ कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एटसेट्रा जो हैं वो हर केस का रिकॉर्ड जो है सेफ कस्टडी में रखेंगे और रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेंगे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। और इस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो जब भी इंक्वायरी ऑफिसर को रिक्वायर्ड होंगे तो इमीडिएटली उनको प्रोवाइड करना इनकी ज़िम्मेदारी होगी, और यानी 7 दिनों के अंदर अंदर जो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी को प्रेजेंट करनी है। ये यानी जिस दिन इंक्वायरी आर्डर आएगा उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम रिकॉर्ड उनको पहुंचना ज़रूरी है। बहरहाल ये अच्छी खबर है कि एट लास्ट जो टैक्स ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ टैक्स पेयर्स को काफ़ी शिकायत हैं कि वो लोग गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा जमा करवाने की बजाय लोगों को कहते हैं कि वो अपनी जेबें उनकी पर्सनल पॉकेट्स में ये पैसा जाए, यानी कि वो गवर्नमेंट ट्रेजरी की बजाय अपनी पर्सनल ट्रेजरी में ये पैसे जमा करवाते हैं। तो थैंक्स गॉड कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
अपनी कीमती आरा का इजहार कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, हाज़िर होते नहीं वीडियो के साथ अल्लाह ने के बाद।